वंशी विभूषित करा नवनीरदाभान पीतांबरादरुन बिंब फलाधरोष्ठाद पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्राद कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। बोल सतगुरुदेव भगवान की जय। हम उस परमपिता परमात्मा का ध्यान करते हैं जिस परमात्मा ने हमें यह संसार दिखाया, जिस परमात्मा की कृपा से हमारा जीवन चल रहा है, जिस गुरुदेव भगवान की कृपा से हमको आध्यात्मिक रास्ता मिला है, प्राप्त हुआ है। ऐसे सतगुरुदेव भगवान का ध्यान करते हैं और ध्यान करते समय विशेष बातों का ध्यान देना पड़ता है कि हमारा जो मन है वो मन इधर उधर ना जाए और हम एक जगह स्थिर रहें, एक जगह केंद्रित रहें। तो एक जगह केंद्रित होने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि या तो हृदय में गुरुदेव भगवान की मूर्ति को स्थापित करते हैं या फिर कोई हमारा जो इष्ट होता है उसको हम लोग स्थापित कर करके अपना ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करते हैं। आप सभी भाग्यशाली हैं कि हम लोगों को यह आध्यात्मिक रास्ता मिला है और हम लोग उस पथ पर चल रहे हैं जिस पथ पर चलने वाला मनुष्य अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। और वो लक्ष्य क्या है कि परम सत्ता की प्राप्ति करना, मनुष्य का यही लक्ष्य होता है। आप सब लोग बड़े सुंदर भाव के साथ में इस आत्मबोध ग्रंथ का श्रवण कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं। बस यही जीवन का सार है, इससे अन्यत्र जीवन की कल्पना करना व्यर्थ है। क्योंकि हम आदमी हैं, आदमी का मतलब पता क्या होता है? आदमी, अगर दम आ गया तो हम आदमी हैं, दम नहीं आया तो खत्म, राम नाम सत्य। देखिए, स्थिर रहना हमारे शरीर का काम नहीं है, ये तो समय के साथ में जर्जर होगा और खत्म होगा। हमारे जो आत्मा है जो कभी भी किसी भी वस्तु से वो खत्म नहीं हो सकती, वो नित्य है। और हम प्रयास करें कि हम ऐसा अपने अंदर भाव जागृत करें कि हम ईश्वर के साक्षात्कार दर्शन कर पाएं। वैसे ये बात कहने में लोगों को बड़ी अटपटी सी लगती है कि पता नहीं ईश्वर कैसे होते हैं, किसने देखा, किसने सुना, ईश्वर है भी कि नहीं। स्वाभाविक है, हर किसी के अंदर ये प्रश्न पैदा होना स्वाभाविक है। परंतु सत्य पर अपने आप को केंद्रित करना चाहिए, विश्वास पर अपने आप को केंद्रित करना चाहिए
और ये हमेशा मन में एक धारणा बनी रहनी चाहिए कि कोई ऐसी परम सत्ता है तो इस संपूर्ण ब्रह्मांड को चला रही है, और उसी सत्ता के आश्रित हम लोग हैं। और देखिए, एक बात का और विशेष करके ध्यान दीजिएगा, परमात्मा के प्रति समर्पण बुद्धि होनी चाहिए। समर्पण बुद्धि कहने का मतलब है कि हम अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित करते हुए उनका चिंतन करें। ये भाव हमारे मन में हमेशा रहना चाहिए। और ऐसा नहीं है, आप कोई बिजनेस करते हो, जब उस बिजनेस करने में आपका पूरी लगन रहती है और आप मेहनत से करते हो तो उसका लाभ मिलता है। अगर बिजनेस में लगन नहीं है, मेहनत नहीं है, तो उसका लाभ आपको प्राप्त नहीं होगा। उसी प्रकार भक्ति भी एक लगन की बात है, जिसकी लगन होती है वो उसमें से कुछ न कुछ प्राप्त कर लेता है। तो आए आज के प्रसंग में हम लोग प्रवेश करें। आज 7 सितंबर है और कल हमने एक चर्चा श्रवण की थी जिसमें बताया गया था कि संसार जो है ना, एक सपने की तरह है। हम सपना लेते हैं और सपने में कई प्रकार की कल्पना करते हैं, परंतु जब सपना हमारा टूट जाता है तो हम वहीं के वहीं स्थिर रहते हैं, और फिर हम सपने की बातों को याद करके ये कहते हैं कि वो एक सपना था। तो बस संसार भी एक सपना है। आइए अब हम लोग आगे का आज का जो 7 नंबर श्लोक है उसका उच्चारण करते हुए उसका भावार्थ जानते हैं। तावत् सत्यम् जगद्भाति शुक्तिकारजतम् यथा यावन् ज्ञायते ब्रह्म सर्वदिष्ठानमद्वयम्। एक बार पुनः, तावत् सत्यम् जगद्भाति शुक्तिकारजतम् मया यावन् ज्ञायते ब्रह्म सर्वाधिष्ठानमद्वयम्। आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जो सीप को जानते होंगे, जो समुद्र के किनारे आप लोगों को मिलती है, या आजकल तो उसकी लोग खेती भी करते हैं। तो जब उस सीप में रजत माने होता चांदी, चमकने वाली वस्तु, चांदी जैसी दिखने वाली वस्तु, तो जैसे सीप में रजत सत्य भासता है, कोई व्यक्ति पहली बार देखेगा तो उसको लगेगा कि इसके अंदर जो दिखाई दे रहा है वो रजत है, चांदी है। ऐसे ही तभी तक संसार सत्य प्रतीत होता है जब तक सर्वाधिष्ठान अद्वय ब्रह्म का ज्ञान नहीं हो जाता, तब तक ये संसार सत्य प्रतीत होता है। देखिए, इसको आप ऐसा समझ सकते हैं कि स्थूल दृष्टि से रजत कल्पना का अधिष्ठान जो है सीप को माना गया है, किंतु कल्पित होने के कारण शुक्ति जो है रजत कल्पना का अधिष्ठान नहीं हो सकती। उस सीप में चांदी कभी नहीं हो सकती। अतः जो शुक्ति अविच्छिन्न चैतन्य है ना, वह चैतन्य रजत कल्पना का अधिष्ठान है। अधिष्ठान की सत्ता ही कल्पित वस्तु में तादात्म्य होकर के भासती है। इसलिए शुक्ति रजतादि को सत्य मान बैठते हैं।
उस समय उस रजत को लेने की इच्छा मन में उत्पन्न होती है और उसे लेने के लिए ये भ्रांत पुरुष आगे बढ़ जाता है। पर जब सुक्ति का कार अंतःकरण की वृत्ति होती है और उस सुक्ति में और उस वृत्ति से युक्त अवचिन्न जो सुक्ति है या उससे अवचिन्न जो चैतन्य है, उस चैतन्य को आच्छादित करने वाला आवरण जब नष्ट हो जाता है, तब सुक्तिका में कल्पित रजत और उसका ज्ञान एक साथ नष्ट हो जाते हैं। आप बात समझे? मान लो कि आपको कहीं दूर पड़ी वस्तु में एक भ्रम हो गया और आपको लगा कि वो चमकने वाली वस्तु जो है वो उस चांदी है, और उस चांदी में आपने कल्पना कर ली कि इस चांदी के हम गहने बनाएंगे, इस चांदी का ये बनेगा, इस चांदी का वो बनेगा। तो आपने उसको लेने के लिए सोचा, क्योंकि जो सुक्ति होती है ना, सीप होती है, वो सीप दूर दूर से जब चमकती है तो आपको निश्चित वो चांदी जैसी दिखाई देती है। कभी कोई सबने देखा है तो। परंतु जब हम उस सुक्ति के पास पहुंचते हैं, उसको देखते हैं, तो हमको ये ज्ञान हो जाता है कि ये सुक्ति चमकने वाली वस्तु है, वो रजत नहीं है, चांदी नहीं है, ये सीप है। उसी प्रकार ये जो दिखने वाला जगत है ना, ये संपूर्ण जगत जितना भी आपको दिखाई दे रहे हैं, यह अद्वितीय सच्चिदानंद घन ब्रह्म में कल्पित है। ब्रह्म संपूर्ण विश्व का अधिष्ठान है और उसी अधिष्ठान ब्रह्म की सत्ता माया के परिणाम नाम रूपात्मक जगत में तादात्म्य होकर के भासती है, दिखती है। इसी से ये जो संसार है ना, हम लोगों को सत्य प्रतीत होता है। पर ये संसार तभी तक सत्य भासता है जब तक संपूर्ण जगत कल्पना के अधिष्ठान अद्वैत ब्रह्म का अपरोक्ष बोध नहीं हो जाता। क्योंकि ब्रह्म ज्ञान होते ही जैसे हम लोगों को शुक्ति का ज्ञान हो जाता है, शुक्ति रजत का ज्ञान हो जाता है शुक्ति में, तो शुक्ति का रजत की भांति संपूर्ण विश्व जो है बाधित हो जाता है। अतः कहना पड़ेगा कि तत्वज्ञानी की दृष्टि में यह संसार सत्य नहीं भासता। अब ये बात समझने वाली है, थोड़ा सा शास्त्र की भाषा होती है ना, थोड़ी सी कठिन लगती है, परंतु कठिन होती नहीं है। इसको आप ऐसा मत समझिए कठिन है, थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे तो सब समझ में आएगा। अब इसमें क्या कहा कि हमको भ्रम हो जाता है, कभी कभी हमको भ्रम हो जाता है कि ये वस्तु मेरे उपयोग की है, परंतु जब हम उसके साथ में व्यवहार करते हैं, जब उस वस्तु को हम लेने की इच्छा करते हैं, तो फिर क्या होता है कि वो वस्तु जब हमको उसका प्रत्यक्षीकरण हो जाता है, तब हमको ये समझ में आता है कि ये वस्तु तो बिल्कुल मतलब हमको भ्रमित करने वाली थी, भ्रामक थी। तो इसलिए उसी प्रकार ये हम संसार में जितने रिश्ते नाते बनाते हैं ना, ये रिश्ते नाते बिल्कुल संसार में सत्य हैं, असत्य हैं। क्योंकि इन रिश्ते नातों का जब तक हम हैं तभी तक अस्तित्व है, हमारे जाने के बाद जी रिश्ते नाते किसी काम के नहीं रहते। तो कहने का भाव है कि हम अगर ब्रह्म दृष्टि से, ब्रह्म ज्ञान से, ब्रह्म ज्ञानाभ्यास से अगर इसका चिंतन करते हैं, तो ये जगत जो है हमको मिथ्या दिखाई देते हैं, ये जगत की सत्ता हमको दिखाई नहीं देती। क्योंकि ये जगत है ये परिवर्तनशील है, वो सत्य में कभी परिवर्तन नहीं होता। इसलिए हम ब्रह्म ज्ञानी बने और सत्य की पहचान करें। सत्य क्या है उसको पहचाने। बिना सत्य की पहचान की ही संसार में रहना बड़ा कठिन है। एक छोटा सा दृष्टांत है कि कैसे हम लोग भ्रमित होते हैं।
एक कोई व्यक्ति था, वो किसी बाजार में गया, और बाजार में गया तो आजकल तो पता नहीं क्या होता है, परंतु पहले क्या होता था ना, रात्रि के समय में बाजार लगती थी। अभी भी कुछ कुछ जगह पर रात्रि के समय में बाजार लगते हैं और उसमें कई वस्तुएं बिकती हैं। अब उसमें वो देखा तो एक पिंजरे में उसको उल्लू दिखाई दिया। रात्रि का समय था, निश्चित है कि रात्रि के समय में उल्लू को दिखता है, तो आंखें बड़ी मटकटा रहा था। उसको बड़ा प्यारा लगा, उसने कहा भाई इसकी कितनी कीमत है। उसने कहा भाई इतना, 100 रुपया, 200 रुपया, जो भी बोला होगा। उसने उसको खरीद लिया, घर ले आया, घर ला के आराम से रख करके सो गया। अब जब सुबह जगा तो सुबह उसको साथ कलोल करने लगा, मजाक करने लगा, तो उल्लू बिल्कुल एकदम आंखें तो देखे तो है, आंखें तो खुली है, परंतु उसके इशारे को बिल्कुल नहीं समझ पाया। समझ नहीं पाया तो बड़ा उसको आश्चर्य हुआ कि भाई मेले में तो बड़ा ही मेरे हाथ को देख करके बड़ा आंखें मटमटा रहा था, अब क्यों नहीं देख रहा, अब क्यों नहीं बात कर रहा। तो वो बंदे ने सोचा कि भाई उस बेचने वाले ने मेरे साथ धोखा किया, तो वापस ले गया। वापस से ले जा करके दूसरे दिन उस बंदे से बोला कि भाई तूने मुझे धोखा दिया, ये तो तुम्हारे यहाँ जब था तब तो बड़ा अच्छे से ये देख रहा था, बड़ा अच्छे से कूद रहा था, बड़ा अच्छे से पंखों को फड़फड़ा रहा था, परंतु अभी क्या है, अभी तो ये बिल्कुल एकदम से मौन जैसा है और कुछ बोल ही नहीं रहा। तो उस बंदे ने उसको कहा कि देखो भाई ये है उल्लू, और इस उल्लू को रात को दिखता है, दिन में बिल्कुल नहीं दिखता इनको, दिन में बिल्कुल भी ये देख नहीं पाते, तो इसलिए ये उल्लू का ये दिन रात का ऐसा संबंध है। तब उसका भ्रम टूटा कि वास्तव में मैंने कुछ गलत चुनाव कर लिया। तो हम भी संसार में ऐसे ही करते हैं, कुछ ऐसे उल्लू खरीद लेते हैं कि जिसको देखने में तो बड़े अच्छे लगते हैं, परंतु वो होते किसी काम के नहीं। तो इसलिए हमको चुनाव करना है कि हम किस वस्तु के साथ संबंध बना रहे हैं, कौन वस्तु हमारी प्रिय है, किसके साथ हमको संबंध बनाना चाहिए, किसके साथ रहना चाहिए, किस वस्तु को लाना चाहिए, ये विचार करना ही ब्रह्मज्ञानी का कर्तव्य है, और ब्रह्मज्ञानी इस पे विचार करता है। इसलिए हमको ब्रह्मज्ञानी बनना है, ना कि हमको ये संसारिक वस्तुओं का ज्ञान करना है। तो इसलिए आज के प्रसंग में हम लोग इतना ही कहेंगे कि हम उस परम सत्ता के पाने का प्रयास करें, क्योंकि समय अधिक हो गया है। आपका दिन शुभ हो, आप आनंद से रहें, इन शुभकामनाओं के साथ में हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। बोल सतगुरुदेव भगवान की जय।